आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। 11,000 फीट की ऊंचाई, हिमालय और हरे बुग्यालों की गोद में खेली गई दूध और मक्खन की होली। हजारों लोगों ने मनाया बटर फेस्टिवल। रंगों और फूलों से होली के बारे में आपने जरूर सुना होगा, लेकिन उत्तराखंड में एक ऐसी जगह है जहां सदियों से दूध मक्खन की अनूठी होली खेली जाती है। जी हां, सदियों से उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल में अंडूड़ी उत्सव मनाया जाता है, जिसे बटर फेस्टिवल के रूप में जाना जाता है। रंगों और फूलों से होली के बारे में आपने जरूर सुना होगा, लेकिन उत्तराखंड में एक ऐसी जगह भी है जहां सदियों से दूध मक्खन की अनूठी होली खेली जाती है। जी हां, सदियों से उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल में अंडूड़ी उत्सव मनाया जाता है, जिसे बटर फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। हर साल की तरह इस बार भी 11,000 फीट की ऊंचाई पर दायरा बुग्याल में दूध मक्खन की होली खेली गई। कृष्ण और राधा के मटकी फोड़ने के बाद पंचगाय पट्टी सहित आसपास के ग्रामीणों ने दूध, दही और मक्खन से होली खेली। गुलाल की जगह एक दूसरे पर लोगों ने दूध मक्खन लगाकर रासो तांदी नृत्य का आयोजन भी किया। दयारा पर्यटन उत्सव समिति द्वारा आयोजित बटर फेस्टिवल में आसपास के तमाम गांवों के 5 पांडवों सहित अनेक देव डोलियां शामिल हुई। इसके बाद ग्रामीणों ने बुग्याल में स्थित छानियों में एकत्रित दूध, दही और मक्खन का वन देवताओं सहित स्थानीय देवी देवताओं को भोग चढ़ाया। इसके बाद राधा कृष्ण ने मक्खन की हांडी को तोड़ा और इसके बाद बटर फेस्टिवल का जश्न शुरू हो गया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने इस उत्सव में प्रतिभाग किया। आपको बता दें कि यह उत्सव पारंपरिक और पौराणिक है। ग्रामीण बुग्यालों से अपने मवेशियों को जब अपने घरों की ओर वापस करते हैं, तो इस मौके पर ग्रामीण दूध, दही, मक्खन को वन देवताओं और स्थानीय देवताओं को चढ़ाकर आशीर्वाद लेते हैं, और इसी दौरान दूध मक्खन को एक दूसरे को प्रसाद के रूप में पेश किया जाता है, और इसी से होली खेल उत्सव भी मनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।